डे का जो थीम है वो बड़ा ही अच्छा शब्द चुना गया है। हम लोग बचपन में जब खेला करते थे तो ये शब्द बहुत प्रयोग किया करते थे, भाई तुम हीरो हो फलाना हीरो हो। तो इस बार का जो थीम है 2019 का वो ये बी हर्ट हीरो, बी हीरो ऑफ हर्ट, अपने हृदय को संभालिए उसके लिए हीरो बनिए। मुख्यतः हम प्रिवेंशन पे बात करेंगे। अगर ये प्रिवेंशन की बात पे हम अपने को खड़ा उतारते हैं तो बीमारियों से हम दूर जा सकते हैं, उसे जरूर प्रिवेंट करके हम उनको दूर भगा सकते हैं। तो ये देखा गया कि हर्ट के बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, हर्ट के वाल की प्रॉब्लम, मसल की प्रॉब्लम, पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम। हम इस वक्त बस जो ऊपर की आर्टरी होती है जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं, जो कि उम्र के साथ हमारे व्यवहार रहन सहन और खान पान की वजह से पतली होती जाती है, नैरिंग होती जाती है, उस बारे में बात करेंगे। यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करेंगे। जब एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करते हैं तो कुछ डाटा हम शेयर करना चाहेंगे कि पहले डाटा कैसा था और अब कैसा डाटा है। अगर हम पिछले दो तीन डिकेड की बात करें, फ्रॉम 90 ऑनवर्ड तो रेगुलर के ट्रेंड देखा गया है कि इस्टीमिक हर्ट डिजीज का, एथेरोस्क्लेरोटिक इस्टीमिक हर्ट डिजीज का इंसिडेंट बढ़ रहा है। अगर जो हम कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी इन 90 लेट 90 में देखो तो इनका जाओ रफली 14-15%, और जो लेटेस्ट डाटा पब्लिश लैंसेट में दैट इज इन 2018 उसमें मॉर्टेलिटी 28% है। इसे टोटल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हार्ट अटैक भी आता है और स्ट्रोक भी आता है। जो फेमिलियर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसको तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप अप रखते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए वो हमारी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में नंबर वन इज सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी स्पेशली एबडोमिनल ओबेसिटी। कोई बॉडी बिल्डर है और थोरेसिक ओबेसिटी है तो दैट इज नॉट हार कंसर्न विद एबडोमिनल ओबेसिटी। वो ये कहते हैं चेस्ट पेन ऑन एक्जर्शन, यानी चलने में आपको दर्द हो, ये तो एक चीज है। दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्जर्शन, चलने में सांस फूले। तीसरा फीलिंग ऑफ सम एपिगैस्ट्रिक यानी पेट के ऊपरी हिस्से में जलन सी मच रही है, दर्द हो रहा है, तब ये हृदय की संभावना हो सकती है। चौथा हाई रिस्क पेशेंट, अगर सिंपल ये कहे कि मुझे चलने में धड़कन बढ़ती है, रेयरली हृदय की संभावना तब भी बढ़ती है कोई पेशेंट आके कहे हाई रिस्क को कि डॉक्टर साहब मेरे बाबा तो घर में थे अचानक बेहोश हो गए। तो हार्ट अटैक का एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है सिंकपल अटैक, जो हृदय की गति आसानी से कम हो जाती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। लेकिन जो क्लासिकल कार्डिनल सिम्टम का है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, चेस्ट पेन ऑन एग्जर्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एग्जर्शन एंड फीलिंग ऑफ एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट एंड फीलिंग ऑफ सम गैसियस टेंडेंसी इन चेस्ट, इसको कभी इग्नोर नहीं करना। तो ये तो हो गए लक्षण। वेरी गुड क्वेश्चन, मिलियंस ऑफ क्वेश्चन की हम रिमोट में हैं तो क्या करें। तो देखिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको हम लोडिंग कहते हैं, इससे प्रिवेंशन मॉर्टेलिटी कम हो जाती है, हर दवा के इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं। जब हमारे पास कोई मरीज आता है तो हम एस्पिरिन लोडिंग देने से पहले पूछते हैं कि उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं रही है। लेकिन जो रिमोट और गांव में भी जो अवेलेबल दवाई है वह सॉर्बिट्रेट है जो कि चूसने के लिए होती है, और इस्टीमिक पेन है हर्ट वाला तो तुरंत उससे कम होता है। और एक और आप लोगों को बात बताऊं कि जब भी आपको लगे कि इस मरीज को हमारे हर्ट की वजह से दर्द हो रहा है तो हमेशा मरीज को बैठा देना चाहिए, लेटाना उचित नहीं होता। उसके पीछे वजह ये कि जब हम बैठा देते हैं तो हमारा वीनस रिटर्न कम हो जाता है, पैरों से ब्लड हर्ट को जाना कम हो जाता है और तुरंत हार्ट पे लोड कम हो जाता है। इसलिए जब भी हम प्रैक्टिकली सॉर्बिट्रेट देते हैं या अपने जूनियर को बताते हैं, कहते हैं पेशेंट को बैठा दो, और पेशेंट नहीं बैठने लायक है अनसपोर्टिव है तो कोई अटेंडेंट लेकर बैठ जाए तो वो दवा जल्दी काम करती है। और इकोस्प्रीन ग्रुप की दवाइयाँ जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं उसको जितना जल्दी हो सके दिया जाए। जो थेरापेटिक डोज कही जाती है वो लोडिंग इशू कहा जाता है, इकोस्प्रीन 300 मिलीग्राम,
क्लोपिडाग्रिल 300 मिलीग्राम, ये दोनों ब्लड पतला करने की दवाई है, एंड एटारवास्टेटिन 80 मिलीग्राम जो कि तुरंत कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए दवाई, ये लोडिंग डोज कही जाती है। ये खैर लोडिंग डोज तो डॉक्टर के संज्ञान पे है, लेकिन एज ए प्राइमरी केयर फिजिशियन और एज ए लेमैन सॉर्बिट्रेट देना ये अति आवश्यक।